गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अपडेट है, मई 2022 का ट्रिपल सी एडमिट कार्ड आ चुका है। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे, सर एडमिट कार्ड कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप सभी को बताया था कि 10 मई से आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो जी हाँ, सेम इसी डेट से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपना एडमिट कार्ड कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक हमने अपनी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे अपडेट कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डायरेक्ट जाके इस लिंक से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com ओपन करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस सेक्शन में न्यूज फ्लैश होता हुआ दिखेगा और इसमें आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डाउनलोड मई 2022 ट्रिपल सी एडमिट कार्ड। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप न्यूज सेक्शन में देख सकते हैं एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मई 2022 कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम 4 मई 2022। मीन्स ये एडमिट कार्ड कल रात में जारी हुआ है, तो आप में से बहुत से लोगों ने इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर लिया, और जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, आगे हम बात करेंगे आप सभी का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका क्या है। आप इस वेबसाइट पे आएंगे, राइट हैंड साइड पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है पेज पे। अब यहाँ से आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे BCC, CCC, CCC+। इनकेस अगर आपको CCC का डाउनलोड करना है तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे एक अंडरटेकिंग आता है, वचन पत्र, इसको आप रीड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे COVID-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको आपको अपने एग्जाम में फॉलो करना है। नीचे की तरफ आएंगे, अगर आप इसे अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर रहे हैं तो खासतौर पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिक्लेयर का एक ऑप्शन दिया गया, एक चेक बॉक्स है, ये मोबाइल फोन पे बहुत छोटा सा दिखता है, इसको आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको एग्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा। अब आपको इस पेज पे ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ देखिए सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन ईयर, आपको यहाँ पे 2022 सेलेक्ट करना है। इसके बाद एग्जामिनेशन नेम, यहाँ से आप देखेंगे तो मई 2022 का ऑप्शन आ चुका है, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। अब आप में से कई लोग होते हैं जिनके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं होता है, या फिर वो कहीं खो जाता है, तो जब भी नाइलेट आपको एडमिट कार्ड जारी करता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्लस आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उसी टेक्स्ट मैसेज में आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिया रहता है, तो आप वहां से अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, और इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जैसे कि 27 जैन है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, 2002 तो आपको ऐसे लिखना होगा, ये डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। दूसरा कोई भी फॉर्मेट डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके जस्ट नीचे कैप्चा कोड दिया गया, आप इसे यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप कीजिए, इसके बाद यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी, अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है। अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया तो ऊपर रेड कलर में एक एरर मैसेज लिखा होगा, जैसे आप गलत डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, गलत एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एरर मैसेज आपको दिखाई पड़ेगा। और इनकेस अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं किया गया तो यहाँ पे योर एडमिट कार्ड नॉट डिक्लेयर्ड, ऐसा कुछ एरर मैसेज आएगा। तो इन केस ऐसा कोई भी मैसेज आता है, तो मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, मीन्स अपलोड नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि नाइलेट हमेशा सभी के एडमिट कार्ड एक साथ जारी नहीं करता है। जैसे कि 4 मई को CCC के एडमिट कार्ड जारी किए गए, तो आने वाले लगभग 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे करके सभी के एडमिट कार्ड आते रहेंगे। तो आप सभी अपने एडमिट कार्ड को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए, दिन में 2 बार, मॉर्निंग और इवनिंग में। जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है तो वैसे नाइलेट की तरफ से आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जाता है। अगर ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो चुका है, मीन्स आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी, अगर आपका एडमिट कार्ड नाइलेट की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे एक प्रिंट ऑप्शन दिया रहेगा, जब आप उस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन आपके जो एडमिट कार्ड है उसका PDF फाइल डाउनलोड होगा।
तो प्रिंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेनी है। वही आपका एक एडमिट कार्ड होगा, उसी में आपका सेंटर और सारी चीजें दी होंगी, किस डेट में, किस टाइम में, किस सेंटर पे आपका एग्जाम है। तो सेंटर और टाइमिंग वगैरह सारी चीजें आपको पीडीएफ फाइल में दिखेंगी। तो आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके उस पीडीएफ फाइल के फॉर्म में एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, एडमिट कार्ड आप में से जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे जाइए और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों का मई 2022 में CCC का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, प्लीज आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट से स्टार्ट हो रहा है। CCC का जो एग्जाम है वो 10 मई से स्टार्ट हो रहा है इस बार, तो अभी भी आपके पास टाइम है, लगभग 4 से 5 दिनों का टाइम है। तो अभी भी अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आज से हमारी रेगुलर शाम 8 बजे की क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो रही हैं, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। प्लस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारा CCC पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप से CCC का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।